पृथ्वीवासियों की युद्ध की तांडव में देवी वसुंधरा भी हाहाकार कर रही थी। 18वीं सदी भी खत्म होने की सीमा में है। फ्रांस देश में अग्निशम हुआ। यहाँ भारतवर्ष में उच्च वर्ण के लोग असहाय दीन दरिद्रों को अहंकार के कारण अवहेलना और अत्याचार करते थे। नर नारियों को तो पशुतुल्य ही माना जाता था। ऐसा लगता था कि मानवता खत्म होकर रसातल की ओर अग्रगामी हुआ। निजी स्वार्थ के कारण कुछ लोग धर्म ध्वजाधारी बनके ही धर्म को खंडन करते थे। नारी जाति को एक हास्यकर नीति के स्तर पर खड़ा कर दिया गया था। महिलाओं को पाप कर्म में रत किया जाता था। इस ब्रह्मांड के रचयिता को अवहेलना करके कुछ उच्च वर्ण के लोग विश्वकर्ता बनकर बैठे। इस तरह के अनेकों कारण और ऐसे अत्याचार के चलते पृथ्वी भी थर्रा उठी। अत्याचारियों के अत्याचार के फलस्वरूप पृथ्वी में से सुख, शांति, शीतलता सब कुछ नष्ट हो गया। अनगिनत नर नारी हाहाकार करके त्राही माम के स्वर में बोलते रहे, हे दयामय दीन दयाल प्रभु, तुम कहाँ पर हो? तुम्हारी सृष्टि पाप से जर्जरित हो चुका है। हे जगत के पति, त्राण करो। चारों ओर एक ही स्वर, हे नारायण, हे सदाशिव, अपनी धरा को रक्षा करो। हे शांत शिवम प्रभु, अनगिनत दीनहीन असहाय प्राणियों को दुख से मुक्त करो। प्रभु, दुख से मुक्त करो। दूसरी ओर फारसी विप्लव के कारण अनेकों नर नारी मृत्यु को प्राप्त हो गए। जिस तरफ देखो अत्याचार, हिंसा एक भीषण रूप धारण कर बैठा। इस कारण के चलते देश विदेशों में 18वीं 19वीं सदी में अधर्म के नाश के लिए अनेकों महामानव महापुरुष संतों की जन्म हुआ था। जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटाली, अरब, भारतवर्ष, जापान, चाइना, अमेरिका आदि अनेकों स्थान में महान महान धर्म के वीर आदर्श मानव के रूप में देश देश में जन्म लिए। विशेषतः बंगाल में अनेकों धर्म गुरु महापुरुष भक्त रूप में धर्म की रक्षा करके जीव कल्याण साधन किए हैं। उस दौर में सन 1812 11 मार्च को पूर्वी बंगाल के सफला नगर में प्रभु हरिचांद ठाकुर जी अवतार रूप में जन्म लिए हैं। क्यों इतने सभी महत्व लोगों की आगमन, इसकी साक्षी इतिहास गवाह है। श्री श्री हरिलीलामृत ग्रंथ में कवि रसराज तारक चंद्र सरकार महोदय अनेकों घटना विस्तार से प्रकाश किए हैं। अगर मेरे वीडियो देखकर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ओम नमः श्री हरि।